नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिंपल चिकन कोरमा बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चिकन कोरमा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज को काट लिया है। मेरे पास घी है, घी और तेल मैंने दोनों यूज़ करूँगी। मेरे पास केवड़ा वाटर है, ऑयल है, सॉल्ट है और 1 प्याली मैंने दही लिया है। इलायची है 8-10, वाइट ज़ीरा है, लविंग है 4, दालचीनी का टुकड़ा है 2-3, तेज़पत्ता है, 1 चुटकी हल्दी पाउडर है, धनिया ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून और वाइट पेपर मेरे पास है 1/2 टीस्पून है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अभी मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी, सॉल्ट डाल के मैं मैरिनेट कर लूँगी चिकन को। अभी 1 टीस्पून जितना मैं सॉल्ट डाल के इसको मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेट करके मैं 15 मिनट तक इसको छोड़ दूँगी सॉल्ट डाल के। बस इसको 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, थोड़ा मैंने ऑयल डाला और मैं आज घी भी यूज़ करूँगी और मैंने घी डाला 2 टेबल स्पून घी और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला। ऑयल गर्म होने के बाद मैं प्याज में लाल कर लूँगी। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, थोड़ा मैंने ऑयल डाला और मैं आज घी भी यूज़ करूँगी और मैंने घी डाला 2 टेबल स्पून घी और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला। ऑयल गर्म होने के बाद मैं प्याज में लाल कर लूँगी। अभी ऑयल मेरा गर्म हो गया है, मैं प्याज डाल दी। मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रख दिया। मैंने प्याज एकदम डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा गोल्डन करूँगी। और मैंने चिकन को मैंने सॉल्ट डाल के मैरिनेट करके रख दिया है। प्याज पूरा लाइट ब्राउन हो गया है, अभी इसको मैं निकाल देती हूँ। मैंने निकाल दिया है। अभी सेम ऑयल में मैं चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था सॉल्ट डाल के, वो भी मैं इसके अंदर डाल के थोड़ा फ्राई कर लूँगी। मैंने चिकन डाल दिया, इसके अंदर घी भी है, ऑयल भी है और चिकन को मैंने सॉल्ट डाल के मैरिनेट करके रख दिया था। अभी इसको मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके चिकन को मैं निकाल दूंगी, फ्राई होने दे रही हूँ मैं। हाँ, चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, अभी इसको प्याला में निकाल लूँगी। मैंने सारा चिकन मैंने निकाल लिया। सारा चिकन मैंने निकाल लिया। अब इसके अंदर में जो होल गरम मसाला है इसके अंदर वो मैं डाल रही हूँ। इलायची है, साबुत जीरा है, लविंग है, दालचीनी के टुकड़ा है, तेज़पत्ता है। मैंने घी डाला है इसलिए थोड़ा फैना फैना हो रहा है। अब इसके अंदर में अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसको थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट को मैं थोड़ा सॉटे कर लूँगी। अभी थोड़ा मैं सॉल्ट डालूंगी क्योंकि जब मैंने चिकन मैरिनेट किया था तभी मैंने सॉल्ट डाला था। अभी थोड़ा मैंने सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर। अभी इसके अंदर मैं दही डालूंगी। दही को मैंने थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। अभी मेरे पास जो है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर है, 1 चुटकी हल्दी डाला। मैं हल्दी थोड़ा यूज़ करती हूँ लेकिन कोरमा में कोई कोई हल्दी भी यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने थोड़ा यूज़ किया। अभी मसाला भून के बाद में इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। मसाला मेरा भून चुका है, अभी मैं सॉल्ट डाल के जो मैरिनेट करके रखा था बाद में इसको मैंने फ्राई कर लिया था वो मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, इसको डाल के मैं अभी भून लूँगी। इसको थोड़ी देर भून के
पकाऊंगी मैं अभी। अभी चिकन को मैंने थोड़ा भून लिया है, अभी इसको मैं थोड़ा कवर करके थोड़ा पका लूँगी। फ्राई किया हुआ जो प्याज है मैं उसको अभी मोटा मोटा कूट लूँगी, अभी नहीं तो ग्राइंड कर लूँगी। मैंने चिकन को अभी कवर करके थोड़ा पका लिया है, अभी इसका पानी सूख गया है, अभी इसको थोड़ा भून के बाद में इसके अंदर मैं पानी डालूँगी चिकन पकने के लिए। हाफ लीटर तक मैं पानी डालूँगी इसके अंदर। अभी मैं इस कवर करके थोड़ा मीडियम स्लो पे मैं इसको पका लूँगी। अभी चिकन ऑलमोस्ट मेरा पक गया है, अभी मैंने प्याज मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है, वो भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर डाल के अभी मैं पकाऊँगी इसको अभी दोबारा। अभी दोबारा मैं ढक के इसको पका लूँगी। अभी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है चिकन कोरमा। ये ऑर्डिनरी कोरमा है जो हमेशा हम लोग घरों में पकाते हैं, और जो शाही कोरमा है ये शाही कोरमा नहीं है। कभी आपका शाही कोरमे का रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। और मेरे पास वाइट पेपर है और गरम मसाला पाउडर है, वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अभी 1 टेबल स्पून में केवड़ा वाटर मैंने डाल दिया इसके अंदर। अभी इसको चूल्हा बंद करके मैं थोड़ा दम पे रख दूंगी, बाद में मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाह, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। देखिए मेरा माशाल्लाह कोरमा हो गया है, मैंने चूल्हा बंद करके दम पे रख दिया था, अभी मैं आपको डिश आउट करके बता रही हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। यह शाही कुरमा नहीं है, ऑर्डिनरी जो कुरमा हम लोग हमेशा घर में बनाते हुए है। और इसके बाद में शादी वाला जो शाही कुरमा मैं वो आपका उसका रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। अभी देखिए मेरा माशाल्लाह मेरा कुरमा रेडी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। नाज़रीन ये देखिए हमारा सिंपल चिकन कोरमा बिल्कुल तैयार है, बेहतरीन लुक है, बहुत ही डिलीशियस बना है। इसी प्रोसेस को आप फॉलो करके बनाएं, इंशाल्लाह पसंद आएगा। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आइंदा वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगेबान।